स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट जॉब में। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है आप लोगों की काफ़ी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि गाइस यहां पर आप लोगों की कई सारी वैकेंसी रहने वाली है। यहां पर सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाली हूं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। उससे पहले हम लोग जान लेंगे कि ये जो वैकेंसी हमारी कहाँ से आ रही है। ये आ रही है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पर आ रही है दुर्गापुर की तरफ से। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दुर्गापुर की तरफ से यहाँ पर ये जो वैकेंसी है, और आप लोग की कई सारी वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगी। एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से डाउनलोड करना है, सारी चीज़ें मैं आप लोग को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। उससे पहले यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप फ्रेशर हैं, यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर स्टूडेंट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ITI किया है तो आप लोग एलिजिबल हैं, डिप्लोमा किया है तो भी एलिजिबल हैं। अगर आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन किया है, यहाँ पर नॉन टेक्निकल स्टूडेंट भी एलिजिबल रहने वाले हैं। साथ ही साथ देखिए, यहाँ पर अगर आपकी पोस्ट की बात करें तो पोस्ट आप लोग की जूनियर इंजीनियर की, लैब असिस्टेंट, या फिर इसी प्रकार से काफ़ी सारी आप लोग की जॉब रहने वाली हैं। सैलरी पैकेज काफ़ी अच्छा रहेगा, सैलरी पैकेज यहाँ पर 37,000 प्लस आप लोग की यहाँ पर रहेगी, काफ़ी अच्छी सैलरी पैकेज रहने वाली है। एडवर्टाइजमेंट कैसे डाउनलोड करना है वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को बता देती हूँ। तो देखिए गाइज, ये हमारा जो है मेन, इसका जो है मेन वेबसाइट है, मेन वेबसाइट पर जाकर आप लोग कर सकते हैं। बाकी मैं आप लोग को दूसरा तरीका भी बता देती हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं आप लोग को लिंक दे दूँगी, वहाँ से जाकर आप इसे ओपन कर सकते हैं, या फिर आप लोग इसे डिस्क्रिप्शन से भी ओपन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइए। काफ़ी स्टूडेंट्स ज्वाइन हैं जो कि उनको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ के एडवर्टाइजमेंट को। एडवर्टाइजमेंट आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर निकाले जाते हैं, लेकिन रिसेंटली में जो एडवर्टाइजमेंट है, हम इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लेते हैं। तो गाइस देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो चुका है। ये एडवर्टाइजमेंट जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर की तरफ से यहाँ पर ये वैकेंसी आ रही है, मतलब राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान दुर्गापुर की तरफ से। साथ ही देखिए, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट जो है 6 अप्रैल को यहाँ पर पोस्ट आउट किया गया है। यहाँ पर आप लोग की डेट दी गई है, एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है, डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही देखिए, मैं आप लोग को सारी चीज़ें यदि बता दूँगी, देखिए यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, इस चार्ट को देख लीजिए। ये जो चार्ट है, यहाँ पर आप लोग का पोस्ट, यहाँ पर पोस्ट दे रखी है, पोस्ट नेम दे रखा है, साथ ही आप लोग की यहाँ पर स्पेशलाइजेशन दे रखी है, किस ब्रांच से आप लोगों ने किया तो अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी आप लोग को दी गई, कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड दिया गया है वैकेंसी को। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 22 रहने वाली है। तो यहाँ पर गाइस आप लोग की जो पोस्ट रहने वाली है, TA की पोस्ट रहने वाली है, मतलब टेक्निकल असिस्टेंट की। यहाँ पर सैलरी आप लोग को लेवल 6 और 7 CPC के आधार पर दी जाएगी। आप लोग की ब्रांच कौन कौन सी होनी चाहिए, यहाँ पर आप लोग अगर डिप्लोमा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर अगर आप लोगों ने अदर जो है ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे केमिकल इंजीनियरिंग से किया है या केमिस्ट्री से किया है, सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस या और आप लोग कंप्यूटर सेंटर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, मैनेजमेंट स्टडी, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, फिजिक्स, अर्थ एंड एनवायरनमेंट स्टडीज़ वाले अप्लाई कर सकते हैं, साथ में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और वर्कशॉप, फिटिंग शॉप, वेल्डिंग शॉप, मशीन शॉप, ब्लैक शॉप, यहाँ पर कारपेंट्री शॉप, पैटर्न शॉप और फाउंड्री शॉप, मेटलॉजिकल मटेरियल। तो ये सारी आप लोग की ब्रांच है, इनसे अगर आपने किया है कोई भी कोर्स तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों की जो है डिवाइड कर दी गई है जो कैटेगरी वाइज, देख सकते हैं, जनरल के लिए 12, SC के लिए 2, ST के लिए 1, OBC के लिए 5, EWS के लिए 1, PW के लिए 1। यहाँ पर जो है अगर BSc किया है या डिप्लोमा किया है, दोनों एलिजिबल हैं। फिर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखेंगे सीनियर टेक्निकल की आप लोग की जॉब दे रखी है। तो यहाँ पर आप लोग को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया, टोटल वैकेंसी दी गई है। गाइस यहाँ पर आप लोग सारी चीज़ें देख सकते हैं, और यहाँ पर क्वालिफिकेशन ठीक से सुन लीजिए। देखिए, ITI किया है, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज आप लोग की यहाँ पर 30 ईयर रखी गई है। कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, ब्रांच कौन कौन सी, जैसे केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर और मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्वायरमेंटल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल शॉप, मैकेनिकल, यहाँ पर कई और यहाँ पर जो है कई सारी आप लोग की ब्रांच रखी हैं। और यहाँ पर 7 है जनरल के लिए सीट, और SC के लिए नहीं है, ST वाले इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, OBC के लिए 3 है, EWS के लिए 1 है, PW के लिए भी है।
टोटल पोस्ट आप लोग की 12 दी गई हैं, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई करें, थोड़ा और स्क्रॉल कीजिए। यहाँ पर देखिए आप लोग को रिलैक्सेशन भी जो है अपने गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर जो आप लोग की जॉब दी गई है, तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट जो वैकेंसी आप लोग की टेक्नीशियन की रहने वाली है। यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ITR और डिप्लोमा दोनों यहाँ पर एलिजिबल है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया वैकेंसी को, 25 टोटल वैकेंसी है। यहाँ पर पोस्ट आप लोग की टेक्नीशियन की, जैसे केमिस्ट्री, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ पर इन्वायरमेंटल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और यहाँ पर जो आप लोग की कई सारी ब्रांच और दे रखे हैं, मेट्रोलॉजिकल, ये सारी ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं। जनरल के लिए 11 है, SC के लिए 3, ST के लिए 1, OBC के लिए 7, EWS के लिए 2, PW के लिए 1, ये सारी आप लोग की वैकेंसी दी गई हैं और इस कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया, यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर और भी वैकेंसी दी गई जो हमारे नॉन टेक्निकल वाले हैं, जैसे यहाँ पर लाइब्रेरी असिस्टेंट यहाँ पर दी गई है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी भाई बहन है उनको शेयर कर सकते हैं। काफ़ी यहाँ पर जो वैकेंसी दी गई है, OBC के लिए 1 वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी 1 दी गई है। इसी प्रकार से देखिए जूनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसी दी गई है, SC OBC वाले अप्लाई कर सकते हैं दोनों के लिए। अब यहाँ पर कौन कौन सी ब्रांच अप्लाई करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिकल और यहाँ पर आप लोग जो है सिविल वाले अप्लाई करेंगे। मैकेनिकल वाले इस ब्रांच के लिए एलिजिबल नहीं है, मैकेनिकल वाले इन सभी के लिए कर सकते हैं। मैंने इन सभी के लिए ऊपर आप लोगों को डिस्कस किया था, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी है। साथ में देखिए इनकी लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट देख लीजिए, इसकी जो लास्ट डेट है और स्टार्टिंग डेट, तो स्टार्टिंग डेट आप लोग की 6 अप्रैल से ये स्टार्ट हो चुके हैं 10 AM से। और आप लोग की यहाँ पर देखिए लिंक दी गई है, करियर लिंक दी गई है, जहाँ मैं ये लिंक मैं आप लोग खुद भी प्रोवाइड कर दूंगी। साथ ही यहाँ पर लास्ट डेट इसकी 29 अप्रैल, मतलब 29 अप्रैल को 5 बजे से पहले पहले आप लोग को अप्लाई कर देना है, ये इसकी लास्ट डेट है। तो थोड़ा और स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पर और भी चीज़ें आप लोग को देखने के लिए मिल जाएंगी। जैसे देखिए यहाँ पर एज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, रिक्वायरमेंट सारी चीज़ें दी गई हैं, जो हमारे टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 30 ईयर यहाँ पर एज दी गई है। और रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया, रिलैक्सेशन अपने अकॉर्डिंग देख ले सकते हैं। साथ ही देखिए क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, जो BE BTEC वाले हैं, MCA वाले अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अदर यहाँ पर देखिए अदर डिग्री वगैरह की है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लीजिए। ट्रेड के अदर की, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग में आप लोगों ने किया है, या फिर सिविल इंजीनियरिंग में BE BTEC डिप्लोमा केमिकल से किया है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, या फिर BE BTEC डिप्लोमा सिविल में किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस से किया है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और भी देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से किया है और BE BTEC डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से किया अप्लाई कर सकते हैं। एनवायरमेंटल स्टडी से BE BTEC डिप्लोमा की अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर और भी दे रखा है, काफ़ी सारी चीज़ें दी गई। BE BTEC से जो है डिप्लोमा आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल से किया अप्लाई करेंगे, मैकेनिकल से BE BTEC डिप्लोमा की अप्लाई कर देंगे, मेट्रोलॉजी से BE BTEC डिप्लोमा की अप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से देखिए टेक्निकल सीनियर टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर आप लोग की 33 आप लोग की मैक्सिमम एज है। क्वालिफिकेशन आप लोग 10+2 अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर 10+2 बोर्ड है और 50% मार्क्स है, ITI कोर्स कर रखा है, 1 ईयर का हायर ड्यूरेशन है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर और भी यहाँ पर आप लोग की ब्रांच वगैरह दी गई है, जैसे केमिकल, सिविल, आप लोग सभी एलिजिबल है। थोड़ा स्कॉल कीजिए, यहाँ पर देख पाएंगे आप लोग को कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स में, तो ये सारी चीज़ें आप लोग अपने यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। इसी तरीके से टेक्नीशियन की यहाँ पर दी गई है 27 आप लोग की यहाँ पर जो है मैक्सिमम एज है। एजुकेशन और क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, 10+2 अगर आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही ITI अगर आपने किया है और 1 ईयर ITI किया है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा भी किया है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा यहाँ पर आप लोग का यहाँ पर एलिजिबल है, ये देख सकते हैं, सारी चीज़ें देख सकते हैं। मैंने जैसा कि आप लोग को स्टार्टिंग में यहाँ पर बता दिया था ये सारी चीज़ें, बट आप लोग को जो है खुद अगर चेक करना है तो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। ब्रांच आप लोग की जैसे केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इन्वायरमेंटल स्टडीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर सभी ब्रांच एलिजिबल है, यहाँ पर ऑलमोस्ट देख सकते हैं। और उसके बाद लाइब्रेरी असिस्टेंट की है, एजुकेशन आप लोग की यहाँ पर बैचलर डिग्री यहाँ पर है, और आर्ट में किया है, कॉमर्स में किया है, और यहाँ पर अदर कोई किया है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जूनियर इंजीनियर के लिए यहाँ पर 30 ईयर आप लोग को मैक्सिमम एज चाहिए, BE BTEC वाले अप्लाई करेंगे सिविल इलेक्ट्रिकल से, या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया है सिविल इलेक्ट्रिकल से तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो और यहाँ पर देखिए यहाँ पर SAS मतलब सीनियर असिस्टेंट की आप लोग की जॉब है तो अप्लाई कर सकते हैं, और बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और साथ ही यहाँ पर ये सा क्वालिफिकेशन देखिए गाइस अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। मैं अगर को आप लोगों को वन बाय वन यहाँ पर बताऊँगी तो आप लोग को बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, काफ़ी टाइम भी हो जाएगा, तो इसी तरीके से आप लोग देख लीजिए। जनरल इंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं, तो गाइस जनरल इंस्ट्रक्शन में आप लोग कट ऑफ एज वगैरह के बारे में यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में पढ़ सकते हैं, बट मैं आप लोग को मेन चीज़ बता देती हूँ जो आप लोग
लोगों का मेन पॉइंट है यहाँ पर। मेन पॉइंट ये है कि अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए जैसे आप लोगों का यहाँ पर जो है तो जो गाइस कास्ट सर्टिफिकेट होता है मतलब जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो स्टेट का ना होके सेंट्रल का आप लोग का होगा तभी आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं, क्योंकि यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग का सेंट्रल वाला जो होता है सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर होना जरूरी है तभी आप लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो गाइस अब जान लेते हैं हम लोग इसका फ़ीस क्राइटेरिया के बारे में। तो फ़ीस के बारे में देखिए जो हमारी जितनी भी यहाँ पर पोस्ट दे रखी हैं इन सभी के लिए यहाँ पर इन सभी के लिए 1000 रुपये मांगे मतलब लैब असिस्टेंट और यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट की छोड़ के यहाँ पर सभी के लिए 1000 रुपये फीस है और इसके लिए 800 रुपये। अब थोड़ा यहाँ पर मेन चीज़ पर ध्यान देते हैं। मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर जो हमारे SC और यहाँ पर ST PWD एक्स सर्विसमैन या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर कोई भी फीस रिक्वायर्ड नहीं है मतलब नो फीस बिल्कुल भी फीस नहीं रखी गई है। और ये जो फीस है आप लोग की गाइस नॉन रिफंडेबल होने वाली है तो आप लोग यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आप लोग को दिया गया है सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो गाइस अगर आप यहाँ पर बोलेंगे तो मैं अप्लाई का प्रोसेस भी बता दूंगी। गाइस एक तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है ज़्यादातर अप्लाई करने के लिए बोलते हैं तो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का यहाँ पर कमेंट आता है अप्लाई करने के लिए तो मैं आप लोग को यहाँ पर जो है अप्लाई करके भी दिखा दूंगी। अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है, देखिए लिंक आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये वाली जो लिंक है इस पर जाकर अप्लाई करना है। आप लोग को स्टार्टिंग में भी जहाँ से मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड किया था वहाँ से भी आप लोग को दिख गया होगा किस तरीके से वहाँ से अप्लाई करना है। साथ ही देखिए यहाँ पर लास्ट डेट 29 है और आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए और गैस सभी स्टूडेंट कमेंट किया करें जिससे कि मुझे भी पता चले कि यहाँ पर आप लोग इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, जिससे कि मैं अप्लाई करने का वीडियो भी आप लोगों के लिए लेके आऊँ। क्योंकि गैस आप लोग अगर वीडियो अप्लाई करने का नहीं और मैं आप लोगों के लिए ले आऊँ एक दो स्टूडेंट्स ही वहाँ पर सिर्फ यहाँ पर हो तो आप लोग यहाँ पर जब वीडियो देखेंगे ही नहीं तो फिर मेरा लाने का कोई मतलब नहीं रहेगा, मेरी इतनी मेहनत करने का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग सभी कमेंट किया करिए जिससे मुझे पता चले कि हाँ आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस फॉर्म में तो आप लोगों को मैं जल्दी से जल्दी वीडियो लाऊंगी। अगर कम स्टूडेंट्स करते हैं तभी मैं मतलब ज़्यादा स्टूडेंट करते हैं तो मैं जल्दी वीडियो लेकर आती हूँ लेकिन कम स्टूडेंट करते तो आई होप मैं नहीं भी लेके आती हूँ और थोड़ा लेके आती हूँ तो लेट लेके आती हूँ तो मैं वेट करती रहती हूँ कि काफ़ी और स्टूडेंट्स का यहाँ पर कमेंट आ जाए। तो ये चीज़ रहती है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अप्लाई यहाँ पर जो है अप्लाई ज़रूर कर देना, बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है आप लोगों की। और यहाँ पर वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर